हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरूज़ ब्लॉग। आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ रेड पास्ता की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाला है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो हमें उबालने हैं सबसे पहले अपने टमाटर। उसके लिए हम एक गिलास पानी बॉइल करेंगे। ये जब तक हमारा पानी बॉइल हो रहा है, अब हमें काटने हैं टमाटर। हमने टमाटर इस तरीके से काट लिए हैं ताकि इसके छिलके हम आराम से निकाल सके इसके बॉइल होने के बाद। तो इन्हें हम डाल देंगे देखिए। इसके साथ हम ऐड कर देंगे दो लाल मिर्च खड़ी हुई, क्योंकि मैं लाल पीसी मिर्च का यूज़ नहीं करती। तो वो मैं घर में हमारी लाल मिर्च पड़ गई है। अब इसको हम लोग थोड़ी देर से बॉइल हमारे बच गए हैं, देख रहे हैं। तो फटाक से इनको हम निकाल के इनके छिलके निकाल देंगे। चलिए फटाफट कर लेते हैं काम। तो आप देख रहे हैं हमारे टमाटर हो चुके हैं बॉइल, में से छिलका भी निकल रहा है। अब इनको हम आराम से ठंडे पानी में डाल देंगे, मतलब नॉर्मल पानी में, ताकि हम छिलका आराम से निकाल सकें। इनको छील के फिर इसका पेस्ट बनाना है। तो फटाक से हम ये सब काम कर लेते हैं। अब इसको हम पीस लेते हैं फटाक से। तो हम फटाक से पीस लेते हैं अपना। तब हम अपने पास्ता के लिए पानी बॉईल कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा तेल, ताकि हमारा पास्ता चिप। ये हमने डाल दिया। अब जब ये थोड़ा बॉईल हो जाएगा ना, फिर इसमें हम पास्ता अपना डालेंगे। तब तक हम अपना पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये हमारा पानी भी बॉईल हो चुका है। अब इसमें अपना पास्ता डाल देंगे। 90% आपको पास्ता पकाना है। चलिए जल्दी। तो चलिए अब 90% अपने पास्ते को ढक के, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरा पास्ता ना 90% हो चुका है। मैं गैस बंद कर दूंगी और पानी से भी निकाल दूंगी इसको, ताकि ओवर कुक ना हो जाए। और फिर हम अपनी रेड सॉस की तैयारी में आपको दिखाती हूँ, वो भी कर चुकी हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारे चॉप किए हुए रस्ते। ये मेरी रेड सॉस पास्ता की तैयारी पूरी। अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे। देखिए, ये मैंने लहसुन छोटे छोटे काट लिए हैं। फिर यहाँ पे चॉप किए हुए प्याज है, और ये हमारी रेड सॉस जो ग्रेवी हमने तैयार की थी। और मैंने 2 टाइप के मसाले रखे हैं यहाँ पे। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना सबसे पहले थोड़ा सुनहरा होने तक पकाएंगे। चलिए, तो आप लोग देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ गया है। अब हम इसमें अपना टमाटर की ग्रेवी ऐड करेंगे, ग्रेवी जो हमने बनाई थी। इसका कलर इतना सॉलिड आया है क्योंकि मैंने इसमें वो मिर्ची डाली थी ना। काली मिर्च डाल देंगे। ये हमने अभी खुद ही कूटी है। आपके पास होगा तो आप इसमें डाल सकते हो। इसके इसमें मसाले ऐड कर देते हैं अपनी पसंद के। ये मसाले दोनों थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। मैगी मसाला, ये पास्ता मसाला, चलिए फटाक से डालेंगे। दोनों मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसे अपने पास्ता में डाल देंगे। इसमें और मसाले भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद से। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। ये हमारा टेस्टी सा रेड सॉस पास्ता तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। बनाइए और एंजॉय करिए। मुझे तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी।